السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة رواه أبو داود في المراسيل ورواه الطبراني والبيهقي صحيح الترغيب والترهيب في एक روایت अभी आपके सामने पढ़ी गई है जिसको इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने और इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ने और इसी तरीके से इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने बयान किया है और रिवायत हसन लगैरी के दर्जे तक पहुँचती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दावो मर्दाकुम बिस्सदका, अपने मरीज़ों का इलाज सदका और खैरात के ज़रिए से किया करो। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी का इलाज बताया है। एक तो इलाज तिब्बी और दवाओं के ज़रिए से होता है और एक इलाज रूहानी होता है जो सदका और खैरात और रुकिया शरईया दुआ और दम के ज़रिए से हासिल होता है। तो एक इलाज ये भी है कि हम अपने मरीजों का बीमारों का इलाज सदका और खैरात के ज़रिए से करें, यानी इस रास्ते से भी बीमारों को शिफायाबी मिलती है। हमारे असलाफ में ऐसे दसियों वाकयात हैं कि बड़ी बड़ी भयानक किस्म की बीमारियां लाइफ हुई, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी करार दे दिया, शिफायाबी नहीं मिल रही थी, मगर जब सदका और खैरात के ज़रिए से उन्होंने अपने बीमारी का इलाज शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको शिफायाबी दे दी। बड़ा मशहूर वाकया है कि अब्दुल्ला मुबारक रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आया और उसके घुटने में काफ़ी गहरा ज़ख़म था, चलने में दुश्वारी हो रही थी, बहुत इलाज किया लेकिन उसे शिफायाबी नहीं मिल रही थी। उन्होंने मशवरा दिया, नसीहत की कि सदका करो। पूछा क्या सदका करूं? कहा कि लोगों के पानी पीने के लिए कुआं खुदवा दो। तो उन्होंने कुआं खुदवा दिया, जैसे लोगों के लिए पानी पीने के लिए आसानी हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बरकत की वजह से, इस नेकी की वजह से उनकी बीमारी दूर कर दी, उनका ज़ख़म भर आया, उनका ज़ख़म दुरुस्त हो गया, उनको शिफा मिल गई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सदका और खैरात से राज़ी होता है, खुश होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब ठंडा होता है और बीमारों को अल्लाह ताला इस रास्ते से भी शिफायाबी अदा करता है। ये ऐसी सुन्नत है जिसको हमने भुला दी है। डॉक्टरों को लाखों रुपया और हज़ारों रुपए उनके सिर्फ एक मशवरे पर और एक मरतबा ज़ुबान खुलने पर हम निकाल लेंगे। डॉक्टर ने मांग लिया और उसकी ये फीस है तो फिर हमें देना है और हज़ारों हज़ार रुपए लाखों तक की बिल आ जाती है एक मरीज़ के इलाज के लिए। लेकिन इस सुन्नत की तरफ तवज्जो हमारी बहुत कम जाती है। तो हम अपने मरीजों का इलाज सदका के ज़रिए से करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम इस सुन्नत को ज़िंदा करें और अपने मरीज़ों का इलाज सदका और खैरात के ज़रिए से भी करने की कोशिश करें। जिस कदर सदका, जैसा सदका होगा और जैसी नीयत होगी, अल्लाह ताला वैसे ही उसको अता करेगा।
अगर आदमी सदका और खैरात ज़्यादा करता है और उसकी नीयत बड़ी है, उसकी मुराद बड़ी है, उसकी चाहत बड़ी है, तो अल्लाह ताला उसकी नीयत और उसकी चाहत और उसके जज्बे के मुताबिक वो इनाम, वो नेमत अता करता है। यहाँ पर बीमारी का इलाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा है कि बीमार हो जाओ तो गले में तावीज़ लगा दो, ये हुक्म नहीं दिया है, डंडा बांध लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बेहतरीन इलाज ही बताया है कि हम अपने मरीजों का इलाज सदका करें। तो इस सुन्नत को ज़िंदा करें, बिदात व खुराफात से बचें। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको और सारे मुसलमानों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत की रोशनी में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अकुल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम सालिमीन अस्तग़फिरुहु इन्नहुल गफूरुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।